कृषि कानूनों को लेकर किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी के नेताओं ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। पिछले दिनों ही गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम यूपी के नेताओं को आदेश दिए थे कि वो खाप चौधरियों के पास जाएं और उनसे मिलकर कृषि कानूनों के फायदे समझाएं। आज मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गठवाला खाप के चौधरी बाबा हरिकिशन से मिलने के लिए पहुंचा, जहां पर गठवाला खाप के चौधरी बाबा हरिकिशन ने मंत्री संजीव बालियान को गुलाम बताया और उन्हीं के सामने नसीहत देते हुए किसानों को संगठित होने की बात कही। कहा कि तुम्हें आंदोलन करने और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम संगठित रहो या खुद तुम्हारे पास घुटने रगड़ते हुए आएंगे। तीन कृषि कानूनों को लेकर कहा चौधरी ने नेताओं पर तंज कसते हुए कि लोगों की आंखों पर पट्टी मत बांधो, हम दिन रात खेतों में फिरते हैं, तुम गद्दों पर बैठते हो। खाप चौधरी की इस नसीहत के बाद मंत्री संजीव बालियान हाथ जोड़ते हुए नजर आए। पट्टी ना बांधो, बिल्कुल पट्टी बांधना नहीं आ रही। इन्हें ठीक खाओ, वगैरह खाओ, साथ खाओ, कुछ खाओ, रात रात दिन फिरे चंबर ठोकर दियो पर, चंबर ठोकर दियो पर। और हम पहले लड़ू में कंचू में, ये कौन है? ये कंचू तो तुम्हारी भी सरकार के रे बाबा जी, आज मंत्री आए थे बीजेपी के, आपसे मुलाकात की, अलग से भी वार्ता हुई कमरे में, क्या वार्ता हुई, क्या आश्वासन दिया गया, क्या समस्या आप लोगों ने रखी? देखिए, अलग से तो कोई ऐसी वार्ता नहीं हुई, थी तो वार्ता यहाँ है। मुझे 2013 के दंगे के बारे में बात हुई है, भाई सरकार के सामने रखे जो लोग फंसे हैं 2000 के दंगे में, उसके संबंध में बात हुई है। और एक इस पे बात हुई है कि जो यहाँ समस्या किसानों ने रखी उसे गंभीरता है सरकार के सामने रखे। आपको क्या रिएक्शन है अभी इस बारे में? रखेंगे आपके पास सरकार तक कुछ हल करने की उम्मीद है? वो पता लग जाएगा, रखेंगे नहीं रखेंगे क्या होगा। अच्छा, कुछ दिन पहले बालियान खाप के चौधरी ने कहा था कि जो इन्होंने भाजपा नेताओं को बुलाएगा उसके घर पे हम आ जाएंगे, अगले दिन 100 लोग आएंगे। देखो भाई साहब, मैं उसमें अपना बयान पहले दे चुका, हमारे भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, वे ये आए हैं, हमने आप लोगों के सबके सामने जो है अपनी समस्याएं रखी, किसानों की जो समस्याएं वे रखी, यही रख सकते हैं। हम ही नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे, हमारी समस्या तो यही रखेंगे, वहां जाकर ये रखेंगे कि नहीं रखेंगे इसका भविष्य में पता लगेगा। क्या आश्वासन दिया प्रतिनिधिमंडल ने? नहीं, ये प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि जो समस्या यहाँ के किसान की बताई गई है वो प्रदेश की हो या केंद्र की हो, दोनों ही मंत्री थे, वो अब अपनी सरकार में रखेंगे।